यामी गौतम ने अपनी पिछली फिल्म आर्टिकल 370 के ट्रेलर लॉन्च पर डायरेक्टर पति आदित्य धर के साथ प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। अब आदित्य धर और यामी गौतम बेटे के पेरेंट्स बन चुके हैं। यामी ने बेटे को जन्म दिया है। बेटे का नाम भी उन्होंने पोस्ट के जरिए रिवील किया। बेटे का नाम वेदाविद रखा है। ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है वेदों को जानने वाला। वहीं उनके पति आदित्य धर ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम माता पिता बनने की इस खूबसूरत यात्रा पर निकल पड़े हैं। हम अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आदित्य धर की इस पोस्ट पर सेलेब्स खूब प्यार लुटा रहे हैं और दोनों को बधाई दे रहे हैं। रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, मृणाल ठाकुर, राशि खन्ना समेत कई सितारों ने उनको बधाई दी। यामी गौतम ने 4 जून 2021 को आदित्य धर के साथ शादी रचाई थी, जिसमें यामी ने 33 साल पुरानी अपनी माँ की साड़ी पहनी थी। दोनों की शादी बहुत ही सादगी भरे अंदाज में हुई थी। उनकी शादी में सिर्फ घर वाले ही शामिल हुए थे। अब शादी के 3 के बाद कपल के घर खुशी आई है। वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 में देखा गया था। इस फिल्म में वह एक्शन अंदाज में नजर आई थी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।